क्या आपको पता है कि लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको लेखक के स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बड़ी ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, जिस किसी शब्द के रूप से यह जान लिया जाए कि यह व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। और वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर लेखक की स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह लेखिका होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि लेखक का स्त्रीलिंग शब्द लेखिका होता है, और यहां पर लेखक एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर लेखिका एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि लेखक वह होता है जो कि विभिन्न लेखन कार्य जैसे कि किताबों, कहानियों, कविताओं, निबंधों, लेखों, आरंभिक लेखों, ब्लॉग लेखों आदि को लिखने का काम करता है। और इस तरह का जो पुरुष है उसे लेखक कहा जाता है, और वहीं पर इस तरह की जो मादा या फिर महिला है तो उन्हें लेखिका कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर लेखक के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह लेखिका होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि लेखक का स्त्रीलिंग शब्द लेखिका होता है, और यहां पर लेखक एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर लेखिका एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, यानी दोस्तों आपको लेखक का स्त्रीलिंग शब्द वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।